और चले बढ़ते हैं आगे। बलिया में परिवार से परेशान होकर फरा ने अपना धर्म बदल लिया और बरेली की अयोध्या धाम में अपनी प्रेमी राम से शादी की है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बरेली में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। बरेली के भूता की रहने वाली फरा अंसारी अपने मित्र राम से विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई, लेकिन शादी से पहले फरा ने अपने राम के साथ रहने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया और राम की जानकी बन गई। फरा ने बरेली के अयोध्या धाम पहुंचकर राम के साथ सात फेरे भी लिए। हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज से? हिंदू रीति रिवाज से। कब से जानते हैं आप राम को? छह सालों से जानते हैं। किसी का कोई जोर दबाव तो नहीं है शादी करने में? अपनी इच्छा से राम से शादी करना चाहती है? दरअसल फरा अंसारी को स्कूल में पढ़ाई के दौरान राम से मुलाकात हो गई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बीच जैसे ही इसकी भनक फरा के घर वालों को लगी तो उन्होंने फरा की पढ़ाई बंद करा दी। घर वालों ने फरा की शादी किसी और से करने की योजना बनाई, जबकि फरा शादी का विरोध कर रही थी। तीन दिन पहले माँ मामा ने फरा को कमरे में बंद कर पीटा और गला दबाया। इस दौरान राम ने पहुंचकर मारपीट का विरोध किया। फरा और राम ने थाने में पहुंचकर मारपीट की शिकायत की। इसके बाद आनंद फानंद में दोनों ने थाने में ही शादी करने का फैसला किया। बैंड बाजा बुलाकर थाने में ही मंदिर में दोनों ने सात फेरे लिए और सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई। मामला दो समुदाय के होने की वजह से मौके पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। राम की जानकी के साथ शादी के समय हिंदू संगठनों ने एक दूसरे की मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी की। शादी के दौरान मंदिर में श्री राम के नारे भी लगे। टीम न्यूज़ की। और खबरें लगातार जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक।